फ्रेंकली मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। क्यों? कराता हूँ बेटा, मेरे को मार रहा है। और भाई साहब इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी? मतलब आप एक डॉन बनोगी? अरे अरे पीएसएस गेमर भाई, इतनी मिठाइयों की क्या जरूरत थी? घर में बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे अरे पीएस गेमर, तुम यार इतना अच्छा काम करते हो तो भाई यार तुम्हारे लिए तो बनती है ना यार मिठाई। तो यार तुम अपने पास रखो इसको। अरे अरे ठीक है पीएसएस गेमर ब्रो, अगर आप चाहते हो तो यार न्यू ईयर का गिफ्ट मैं आपका रख लेता हूँ। हाँ रख लो रख लो रख लो, हमारी तरफ से है। आ जाओ भाई हिमावारी शिनचैन, और थैंक यू सो मच पीएस गेमर भाई, तू हमारे लिए हमेशा हेल्प के लिए रहता है। अरे अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेंशन नोट, जब प्रॉब्लम हो हमें बुलाओ। अरे अरे कोई बात नहीं भाई, बुला लिया करेंगे। हम निकल चुके हैं पीएस गेम्स के घर की तरफ से, और अब हम जा रहे हैं नई साल मनाने के लिए अपने घर पे। गाइस यार नई साल पे देखा था आपने, हम लोगों ने किया तो था। और भाई अपने डिफेंडर लेकर के जा रहे हैं, माइकल भाई ट्रेवर भाई अपने अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि भाई अब जितनी हेल्प करनी थी उन लोगों ने कर दी, और यार अब तो हमारे वो बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है भाई। शिनचैन हिमावारी पिनचैन और चौप्पो और ब्रूनो, हम सबके बीच में सॉर्ट आउट सब चीज़ हो चुकी है। तो इसलिए गाइस, तो बाकी गाइस यार हम चलते हैं अपने घर पे। भाई कितने दिनों बाद यार अपने घर जाएंगे? हाँ भाई बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे हैं गाइस, तो यार मज़ेदार बात तो होने वाली है ना, बहुत दिनों बाद अपने घर जाएंगे। अब आप सब घर हुए भाई, घर तो बढ़िया तरीके से बन रखा है ना, क्यों नहीं बनेगा? न्यू ईयर की पार्टी भी है वैसे भी। ओ भाई गाड़ी में लग गए यार, अब आप सब आराम आराम से चला। ओके सो फाइनली गाइस, सिक्योरिटी आ रही थी, सिक्योरिटी कहाँ गई भाई? सिक्योरिटी पता नहीं क्या सिक्योर करेगी भाई हमें। ओ वो रही सिक्योरिटी, आ भी जाओ। हाँ जी फ्रैंकलिन सर आ रहे हैं। हाँ भाई हाँ। अरे फ्रैंकलिन भैया स्कूल छोड़ दो। अबे ओ चुपचाप सब घर चलते हैं। सबसे पहले भाई कितने दिनों बाद तो हम लोग साथ में घर जा रहे हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया। लेकिन यार भाई साहब अगर गाइस अब ये लोग आ गए हैं तो भाई माइकल भाई ट्रेवर भाई बोलने लगे कि भाई हम तेरे साथ बहुत दिनों से थे, अब हमें यार इजाज़त दे, हम लोगों को जाने दे, हमारा भी कुछ काम धंधा है। अब आप सब ठीक है ना भाई? सही बात है वो भी। हाँ तो भाई यार चलो भाई, वो लोग तो गए हैं, अब हम चलते हैं बात अब घर की तरफ निकलते हैं गाइस। अरे भाई वैसे मज़ा बहुत आया था यार। वैसे यार शिनचैन यार तूने यार बहुत ज़्यादा क्राइम कर चुके थे। अरे फ्रैंकलिन भैया यार बहुत ही कम करे थे, चुप बैठो यार अपने आप में बने मत ज़्यादा। अबे ओ इतने क्राइम करके बैठा हुआ था बात, अब ये तो क्रिमिनल बन चुका है ना। हाँ अब यार मतलब लोग इससे डरते ही हैं। हाँ कल भी मेरे से बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे, तो तेरी हरकतें ही ऐसी हैं भाई, जो तूने मेरे को नीचे कराने के लिए जितने तूने क्राइम कर दिए है ना भाई, बहुत ज़्यादा क्राइम किए। तूने मर्डर कितनों का किया है? फ्रैंकलिन भैया आज तो मैंने मच्छर नहीं मारा, मैं मर्डर क्या करूँगा? तूने मारा है भाई, सबको मारा है। अरे फ्रैंकलिन भैया सब हॉस्पिटल में एडमिट थे और सब ठीक हो चुके हैं। हाँ यार ये भी बात है। ओके सो गाइस शुरुआत में जो तूने एक्सीडेंट किया था ना भाई, उनका तो हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया उनकी लिखी होगी ना। चल बकवास कब कर। अरे यार मैं सही बोलता हूँ यार। अरे अरे फ्रैंकलिन भाई चलो यार घर चलते हैं अपना घर। तो भाई मैंने तुम्हारी खुश मतलब तुम्हारे लिए भाई घर अच्छे तरीके से बनवा दिया है, मतलब घर मतलब अच्छे तरीके से सजवा दिया है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर की तरफ अपनी डिफेंडर लेकर के। ओ भाई आपने फिर से करवा दिया? हाँ भाई फिर से अपने घर को मॉडिफाई करवा दिया, देख रहा है ना बहुत तगड़ा हो रहा है। हाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। अबे भाई ठोको मत यार। अरे गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर, वेलकम होम इन 2023। अरे भाई थैंक यू सो मच। भाई क्या मार क्यों रहे भाई तुम? ए रुक जा रुक जा, इसके अवार्ड लगाओ। ये मेरे भाइयों को कैसे मार रहा है भाई? सिक्योरिटी के नाम पे तुम ऐसी हरकतें थोड़ी कर सकते हो। ऐसे ही किया। अबे भाई इसको क्या हो रहा है? सर प्रूफ है हमारी हमारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ए, कुछ नहीं हो रहा भाई यार? क्यों कैसे कुछ नहीं होगा? एक सेकंड गाइस, ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता इस गाड़ी में तो। फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन सर छोड़ दीजिए। मैं कैसे छोड़ू भाई, मेरे भाई बहनों को मारा है भाई, देख ले अभी तक पिंचन दे नीचे गिरा पड़ा है अभी तक। भाई ऐसे थोड़ी ना है, और भाई एट भी रहा है, पक्का ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ऐसे ये भाई कोई एजेंट टाइप सा ही है। ओके फ्रैंकलिन भैया क्या लगता है फूटेगी? भाई रुक जा जाने दे, दूर जाने दे एक सेकंड। भाई इसको तो कोई असर नहीं हो रहा इस गाड़ी को। अबे भाई कुछ असर नहीं है। फ्रैंकलिन भैया इसको तो कुछ असर नहीं है। बेटे की जान फिर चढ़ा रहे मेरे भाई बहनों पे। बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी। अरे फ्रैंकलिन भैया मारो इसको साड़े को। मारूंगा अभी खराब मेरा। मैं गया इसकी ऐसी की तैसी। अरे सही मारा। बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी। क्यों मारा? क्योंकि तेरी हरकतें कर रहा था इसलिए मारा। ओ भाई हमारा पिंचन भाई को मार दिया यार। अरे मारा कुछ? ओ भाई सही है उसको मारा। फ्रैंकलिन सर ये बहुत बड़ा चंट आदमी है इसलिए मैंने इसको चढ़ाई है इस पे गाड़ी। ठीक है भाई ठीक है, लेकिन यार देख तो लेता ही हमारे पिंचन पे चढ़ जाती। अरे नहीं चढ़ती यार। ओके सो गाइस पिंचन उठ जा। हाँ ठीक है।
ओ भाई साहब, फगलू सर वैसे आपने बहुत तगड़ा मारा। हाँ भाई हाँ, बाकी यार डिफेंडर विफेंडर और भाई मुझे फायर ब्रिगेड भी तो आ ही रही है। ओके तो कैसे हो? गुड मॉर्निंग फ्रेंड सर, हैप्पी 2023, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। बाकी गाइस देख सकते हो, अबे भाई यहाँ पे दो दिन मैं क्या नहीं आया, इन्होंने 2023 में ऐसी ऐसी पार्टी करने लग गए ये लोग। हाँ पार्टी करने लगी क्या? और नहीं तो क्या भाई, सब लोग पार्टी करने लग गए यहाँ पे भाई साहब। ये किसकी कॉल आ रही है? उठाओ उठाओ। हेलो हेलो फ्रैंकलिन। हाँ प्रेसिडेंट सर। फ्रैंकलिन बहुत दुखद घटना है, मतलब दुखद बात है फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। क्यों प्रेसिडेंट सर, मैंने क्या किया? फ्रैंकलिन मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो इमिडिएटली जल्दी से मेरे यहाँ पे आओ। अरे प्रेसिडेंट सर। अरे फ्रैंकलिन बात करोगे सामने फेस टू फेस। अरे भाई ये क्या हो गया भाई साहब? फ्रैंकलिन क्या हुआ भाई, मेरे को जॉब से निकाल रहे हैं क्या भाई साहब? ये क्या बात हो गई? अरे फ्रैंकलिन भाई जॉब से क्यों निकाल रहे हैं भाई? वही पता करने के लिए मैं चाह रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन सर क्या हुआ भाई, मुझे जॉब से निकालने की बात कर रहे हैं। सर हम भी चले गए। नहीं यार तुम मत जाओ यार, प्रेसिडेंट और भड़क जाएगा, वो सीक्रेट मीटिंग है प्रेसिडेंट से मेरी। भाई शिनचैन हिमावारी पिंचन, ये क्या बात है? अरे फ्रैंकलिन भैया आपको जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? ये सारा मेंशन, ये सब कुछ ठाट बाट सब चले जाएंगे। अबे रुक जा बे, तुम यार अपने आप में दिमाग में मत सोचने लग जाया करो यार। गाइस यार मुझे जॉब से निकालना है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत क्यों हो जाती है भाई? जब चाहता है जब जॉब से निकालता है, जब नहीं चाहता भाई। फ्रैंकलिन भैया ये भी तो सही नहीं है ना, किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए ना। मतलब यार फ्रैंकलिन भैया आपके साथ हमेशा करा जाता है ये सब चीजें भाई, मेरे साथ हमेशा की जाती है यार। भाई मेरे को क्यों जॉब से निकाल रहे भाई, मेरी क्या गलती है भाई? मेरे को जॉब से निकालने का क्या मतलब है इस प्रेसिडेंट का? फ्रैंकलिन भैया इस प्रेसिडेंट की तो वार्ड लगाएंगे यार। तुम गुस्सा मत हो फ्रैंकलिन सर, गुड मॉर्निंग। बट अरे यार तुम लोगों को भी पता चल गया क्या? हाँ जी सर जी, अब प्रेसिडेंट ऐसा काम कर रहा है तो अब हम भी क्या बोल सकते हैं। बे यार प्रेसिडेंट क्यों करता है यार? अरे यार इस प्रेसिडेंट की वार्ड लगानी पड़ेगी। बे यार शिनचैन अभी तो यार मैं उस मुसीबत से हटाऊँ भाई, 2023 में भाई साहब मेरे को पुलिस से निकालने की जो बात कर रही है लोग। अब बात सब कर लो, ये अगर ये पुलिस से निकालने की बात कर रहा है ना भाई साहब, इसको मैं मार दूंगा, काट खाऊंगा। पे यार चौप सलेंसर पा यार, मतलब भाई साहब मतलब यार थोड़ा शांत हो जाए यार चौप को यार, अब क्या कर सकते हैं? फ्रैंकलिन सर प्रेसिडेंट ने ये फैसला गलत लिया है। अरे यार सिक्योरिटी, अब मैं क्या ही बोलूँ यार प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को तो यार जूते मारने का मन करता है भाई। फ्रैंकलिन भैया पहले तो यार पहले पहुँचो यार, पहुँचने से पहले। हाँ मैं पहुँचने से पहले ऐसा बोल के किसी अपनी जुबान क्यों गंदी कर दी? और नहीं तो क्या यार भाई शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, क्या ये डिफेंडर तो अपनी है ना, तू ऐसी बात। बेस्ट ऑफ लक। अबे ओए तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरे को कोई और जॉब नहीं मिल सकती। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन बात तो ऐसी ही है ना, और कोई मिलेगी यार उससे पहले ये क्या हो रहा है यार? बे यार शिनचैन यार कुछ ना कुछ करेंगे यार, एक सेकंड यार ये बारिश की बूंदें कैसे पड़ रही हैं यार। ओके सो गाइस जाओ, ये छोड़ो यार ये क्या हो रहा है जो भी है। बाकी यार हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हो ऐसी हॉल कैसी गाइस, हम पहुंच गए प्रेसिडेंट के पास। अरे फ्रैंकलिन भैया प्रेसिडेंट से यार अब बात करने भी मन नहीं कर रहा, तुम लोग बाहर ही रहो मैं आता हूँ। ठीक है चलो आ जाओ शिनचैन पिंचन, तुम ही आ रहे हो तो तुम ही आ जाओ भाई। हिमावारी तू बैठी रही हो गाड़ी में? ठीक है फ्रैंकलिन भैया। रेंज रोवर ये सब के सब यार हम लोगों ने दिलवाई गई है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हाँ प्रेसिडेंट सर गुड मॉर्निंग। फ्रैंकलिन आई एम रियली सॉरी बट यार मेरे को तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। प्रेसिडेंट सर पर मैंने क्या किया ऐसा? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन तुमने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ करने वाले हैं लॉस सैंटोस के वासिया, मतलब लॉस सैंटोस के लोग कह रहे हैं कि हम एक क्रिमिनल के भाई को वो नहीं बना सकते पुलिस ऑफिसर हम देखना भी नहीं चाहते हैं। फ्रैंकलिन देखो मैंने, मेरे बीच में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी, तुम यार सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन यार शिनचैन ने जितने भी क्राइम करे हैं वो अभी तक रिकॉर्ड में है, और ये सारे के सारे पब्लिक के पास है, और पब्लिक डरी हुई है कि अगर फ्रैंकलिन अभी भी पुलिस ऑफिसर रहेगा तो ये सब होता ही रहेगा। क्या शिनचैन? फ्रैंकलिन भैया रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया, अभी यार मैं क्या करूँ, मेरे तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो खा 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 खा। अरे अभी चुप बैठ जा। प्रेसिडेंट सर कुछ और नहीं हो सकता क्या? फ्रैंकलिन अगर मेरे से बात होती तो मैं संभाल लेता, लेकिन यार देख सकते हो ना ये तो पूरी लॉस सैंटोस की पब्लिक बोल रही है फ्रैंकलिन, अब मैं क्या करूँ? अरे प्रेसिडेंट सर मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। अरे फ्रैंकलिन मेरा खुद दिमाग ख़राब हो रहा है यार, अभी तुम्हें यह वर्दी उतार करके जानी पड़ेगी। फ्रैंकलिन मेरे को ये वर्दी उतारनी पड़ेगी? हाँ फ्रैंकलिन अब तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। फ्रैंकलिन भैया जॉब से निकाल दिया गया? अबे यार। हाँ फ्रैंकलिन क्योंकि तुम्हारी इतनी कंप्लेंट्स है, अगर तुम्हें मैं पुलिस रखूँगा तो सब लोग मुझे निकाल देंगे। फ्रैंकलिन मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। नहीं प्रेसिडेंट सर आप मेरी वजह से आप क्यों निकलेंगे? हाँ फ्रैंकलिन भैया तो फ्रैंकलिन तुम ये वर्दी उतार दो। अब क्या ही कर सकता हूँ, वर्दी उतार देता हूँ मैं। फ्रैंकलिन भैया और नहीं तो क्या, अब जॉब के लायक तो रहे नहीं, अब जॉब के लायक शिनचैन तेरी वजह से हुआ है सब कुछ।
मेरे डैड के क्या कर लोगे बात सब इसकी ना, मैं प्रेसिडेंट की ऐसे ऐसे मार दूंगा, ये एक देख नहीं सकता क्या? चौपो यार, लॉस सेंटोस के वासियां हमसे डरे हुए हैं भाई साहब, बात तो सही है ना ये? तो भाई उसी चक्कर में यार बात साहब अब क्या ही कर सकते हैं। ओके सो गाइस, अब करना तो पड़ेगा, लॉस सेंटोस के वासियां हमसे डरे हुए हैं। तो प्रेसिडेंट सर, आपके सामने मैं हाजिर हूँ। फ्रैंकलिन ज़्यादा परेशान मत हो, तुम तुम्हारे लिए मैं कोई काम ढूंढता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जी लूँगा, खुद सर। फ्रैंकलिन भैया, दिस इज़ नॉट फेयर। फ्रैंकलिन भैया, प्रेसिडेंट को मैं अभी बताता हूँ। नहीं शिनचैन, आ जा भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फ्रैंकलिन, आई एम रियली सॉरी। रियली सॉरी के बच्चे, जब तुझे सपोर्ट चाहिए था, जब तेरे पीछे तेरे अगेंस्ट थी पब्लिक, तब भी मैंने तुझे प्रेसिडेंट बनवाया। और यार शिनचैन, ये देखिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फ्रैंकलिन सर, हम सब कुछ देख रहे हैं, ये बहुत बेकार है प्रेसिडेंट। मैं मन कर रहा है मैं गोली से उड़ा दूँ इसको। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेसिडेंट का हमने कितना साथ दिया शिनचैन। और यार ये ऐसा करके फ्रैंकलिन भैया, हाँ हिमावारी, इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। फ्रैंकलिन भैया अब क्या करें यार, वो ही तो समझ नहीं आ रहा। गाइस यार, आप लोग देख सकते हो, फ्रैंकलिन सर आपको इज्जत, आप बिना वर्दी के अच्छे नहीं लग रहे हो सर। क्या कर सकते हैं भाई, होनी को कौन टाल सकता है, भगवान को जो मंजूर है। अब देख सकते हो ना यार, देख ही रहे हो ना, ये प्रेसिडेंट कितनी बदतमीजी कर रहा है। मैंने इनको कितना सपोर्ट किया था प्रेसिडेंट को। हाँ सर, पूरी पब्लिक अगेंस्ट थी, तब भी आपने सपोर्ट किया था, आप सबको आपने कन्विंस किया था। और आज ये प्रेसिडेंट है जो कि यार आप सर आपको यार बाहर निकाल रहा है। वही तो यार बात, अब फ्रैंकलिन ये बहुत गलत कर रहा है, ये प्रेसिडेंट, इसकी तो वाट लगानी पड़ेगी यार। नहीं यार चौपो बात, अब नहीं यार, ये सही में गलत कर रहा है, ये इसका कुछ ना कुछ और चक्कर होगा। अगर चौपो ये कुछ ना कुछ और चक्कर हुआ ना, तो चौपो हम भी आ जाएंगे अपनी उसी लाइन में। कौन सी लाइन में? अपनी गैंगस्टर वाली लाइन में। बात सब मतलब, अगर हम क्रिमिनल बन ही चुके हैं सबके सामने, तो और क्राइम सही? फ्रैंकलिन भैया, तो आप क्या करने वाले हो? जो हम हमेशा से करते आए हैं, बदला लेने के लिए। फ्रैंकलिन भैया, मतलब आप एक डॉन बनोगी? हाँ शिनचैन, ऐसे कुछ समझ ले। बाकी गाइस चलो यार, हम इस गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं अब। ये प्रेसिडेंट को क्या लग रहा है, अगर मैं जॉब से ये मेरे को निकाल देंगे तो मैं इसका सहारा लूंगा। हाँ, इसको आपको क्या सहारे की, बल्कि सहारे की जरूरत इसको है। और नहीं तो कह रहा फ्रैंकलिन सर, अब क्या करोगे? अरे जस्ट वेट एंड वॉच, आप तो मेरे साथ हो ना सबके सब पुलिस ऑफिसर्स। अरे सर जी, हमारी गैंग तो आपके साथ ही रहेगी। ये प्रेसिडेंट ने जो किया है ना, तुम लोग देख ही रहे हो ना प्रेसिडेंट ने जो भी किया है। फ्रैंकलिन सर, हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट जो भी हरकतें कर रहा है सर, हमें अच्छी तरीके से पता है, ये जानबूझ के कर रहा है। ये इसको मुझे लग रहा है अपने चाचा के लड़के को लगाना होगा। अच्छा बेटा, ये सब बात है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इस प्रेसिडेंट ने किसी से पैसे खाए हैं इस चक्कर में। हैं? हाँ जी सर जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी बीवी ने मना किया था कि फ्रैंकलिन को हटाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लॉस सैंटोस की पब्लिक ने बोला था। अबे भाई, ये तो लोग तो कंफ्यूज कर रहे हैं भाई साहब, ये लोग तो 10 बातें बनाएंगे, लेकिन हमें सच्चाई जाननी है ना। तो भाई साहब ये पक्की बात है, प्रेसिडेंट ने दबाव में आके नहीं किया है, कोई लॉस सैंटोस की पब्लिक ने नहीं बोला है, क्योंकि लॉस सैंटोस की पब्लिक क्यों बोलेगी, सब तो हमने प्यार करती है। भाई देखते हैं ना, हमें लोगों से पता करना पड़ेगा कि यार पब्लिक ने ऐसा किया है क्या। बात सब अगर नहीं किया होगा ना, अगर और इसने ये प्रेसिडेंट ने, अगर ये जानबूझ के इसकी स्ट्रेटेजी है ना, प्रेसिडेंट को फ्रैंकलिन तो गोली मार दियो, ये 10 बार कर चुका है भाई, तेरे को जेल से मतलब बार बार ये तेरे को पुलिस ऑफिसर से बनाता हटाता है, यह कौन सी बात होती है भाई, सब कुछ छीन लेता है एकदम से, और बाद में कहता है कि तुम्हें एक जॉब मिलेगी। फ्रैंकलिन सर, इस प्रेसिडेंट की बात में मत आना सर, हम इसको सिक्योरिटी जरूर दे रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन सर हमारा दिल आपके लिए धड़कता है। फ्रैंकलिन सर ये बहुत बेकार है ये प्रेसिडेंट। अरे मैं समझ गया हूँ, तुम लोग बता रहे हो ना इसलिए। हाँ जी फ्रैंकलिन सर। अच्छा बेटा, अगर भाई ये सब बोल रहे हैं ना पुलिस, ये आम आदमी है भाई, मतलब ये पुलिस बोल रही है ना, इसका मतलब तो बात सब फ्रैंकलिन दाल में कुछ काला है। अबे नहीं, अरे पूरी दाल ही काली है। हाँ ब्रूनो, यू आर करेक्ट, पूरी दाल ही काली है भाई। ये प्रेसिडेंट जो कर रहा है ना मेरे लिए, जो मतलब साजिश रस्ता है ना, हमेशा यार इसकी फेल होती है, लेकिन अब यार अलग तरीके से फेल करेंगे है ना। इसको लगाया ना कि हम कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ठीक है गाइस, अब इनको पता चलेगा कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बात सब और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन सर, तो आप करोगे क्या? बस तुम लोग अपने सपोर्ट में रहना, क्राइम है तो क्राइम बढ़ रहा है, तो बढ़ने दो क्राइम को, और हम हैं भाई क्राइम के राजा। फ्रैंकलिन भैया मतलब? वो तो यार शिनचैन, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ना, सब कुछ इसी एपिसोड में बता दूं क्या? मतलब नई सीरीज चालू? और नहीं तो क्या शिनचैन, नई सीरीज चालू, और इस सीरीज का नाम
क्या होगा वो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा गाइस आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें गाइस। फ्रैंकलिन भाई के नेक्स्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें। तो भाई इस प्रेसिडेंट को पता नहीं है इससे पंगा किससे लिया है। चैन जब तो इसको पता चलेगा ना, जब यार हम खतरनाक डॉन बन के रहेंगे। मतलब अबे शिनचैन अब हमें यार ऐसे ऐसी ऐसा अपना अंदर लाना पड़ेगा इस प्रेसिडेंट यार भीगी बिल्ली बन जाए बिल्कुल ही। बात सब तो तू करने क्या वाला है, मुझे माइकल भाई ट्रेवर भाई की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो बात सब अभी तो फिलहाल घर चल। हाँ भाई अब जो भी देखा जाएगा गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अभी से यार 500 नेक्स्ट पार्ट के बता यार लिखते चल जाओ। हाँ गाइस लिख दो प्लीज़ लिख दो। फ्रैंकली भैया इतने ईमानदार मतलब इतने पक्के हैं यार, जब तक 500 कमेंट नहीं आएंगे तब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए यार 500 कमेंट तो लिखना बनता है। हाँ गाइस नेक्स्ट पार्ट लिख दो, चाहे एक ही बच्चा 10-10 कमेंट करने लग जाए, लेकिन यार नेक्स्ट पार्ट के कमेंट होने ही चाहिए तभी तो गाइस ये सब होगा। और नहीं तो कि फ्रैंकली भैया और इस प्रेसिडेंट से तो बदला लेना ही पड़ेगा यार, हमेशा जब उठेगा जब मन करेगा इसका आपको जॉब से निकाल देगा, हद होती है यार। भाई इसने ऐसे ही कुछ पीएस गैम्सर के साथ किया था, पीएस गैम्सर ने तो इसकी उंगली तोड़ दी थी, लेकिन गाइस मुझे कोई और पैथरा अपनाना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट को मैं इतना परेशान कर दूंगा कि साला पागल हो जाएगा बिल्कुल ही, देश छोड़ के चली जाएगा ऐसे मजबूर कर देना। हाँ लेकिन गाइस उसके लिए क्या क्या करूँगा मैं, क्या कुछ नहीं करूँगा, क्या क्या मिशन मेरे को करने पड़ेंगे, क्या क्या टास्क मुझे करने पड़ेंगे, तो वो सब आप लोगों को देखना ज़रूर पड़ेगा है ना गाइस। तो गाइस यार उसके लिए तो आपको सपोर्ट भी करना ज़रूर पड़ेगा, तो यार उसके लिए तो आपको वीडियो को लाइक करना भी ज़रूर पड़ेगा। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूर पड़ेगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। एक सेकेंड अभी क्या हुआ, शिनचैन प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा हरामी कैसे हो सकता है, मतलब अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे भाई साहब ये घर जितना भी मैंने पुलिस ऑफिसर की जॉब के मतलब पैसे से गाइस मैंने ये जो था ना ये मैंने इसको ही स्टाफ क्वार्टर टाइप बना दिया था पुलिस ऑफिसर्स के पैसे से और ये गवर्नमेंट पैसे से, और शिनचैन ये सब 2 मिनट में हटा दिया, यहाँ की सारी सिक्योरिटी हटा दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रैंकलिन भैया ये बहुत ही गलत हो रहा है, प्रेसिडेंट ने आपसे सब कुछ छीन लिया। वो तो शिनचैन डिफेंडर अपनी है यार, जितनी भी गाड़ियाँ थी सब चीज़ छीन ली। बात सब नीचे जो लोग पार्टी कर रहे थे वो लोग हैं क्या, एक सेकेंड भाई नीचे सब कुछ पार्टी का जो सारा चिलिंग आउट वाला सिस्टम बनाया था भाई सब कुछ छीन लिया, डीजे वीजे सब कुछ हटा दिया, सोफा वोफा सब हटा दिया। फ्रैंकलिन भैया समझ रहे हो ना, समझ तो रहा हूँ शिनचैन मैं, ये प्रेसिडेंट जो करना चाह रहा है ना बेटा इसके सारे चालबाजी है ना सब कुछ फेल होने वाले हैं, फेल होंगे और बहुत अच्छी तरीके से ही पटकी खाएगा मुंह के बल। वो तो खाएगा ही शिनचैन, जब फ्रैंकलिन इसको पटकी देगा तो क्यों नहीं खाएगा, क्यों जरूर खाएगा। फ्रैंकलिन भैया ऐसी पटकी देना कि ये जिंदगी भर याद रखे और आपके आज के बाद करना भूल जाए। यार शिनचैन मेरा मन तो कभी कभार करता है साले तेरे को प्रेसिडेंट बना दूं। क्या मेरे को प्रेसिडेंट, हाँ अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप यार पहले बोल दो ना, सस्पेंस पे क्यों छोड़ रहे हो, बता दो ना क्या करने वाले हो नेक्स्ट पार्ट पे, वो तो यार नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा ना। अरे तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट करना शुरू कर दो, ये तो पागल कर देंगे नेक्स्ट पार्ट बोल बोल करके। हाँ गाइस कर दो यार कर दो। तो गाइस चलो यार हम इस वीडियो में फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मतलब ये सीरीज का यार बिगनिंग बोल सकते हैं, लेकिन गाइस ये सीरीज का कोई पार्ट भी, हाँ पार्ट बोल सकते हैं हिस्सा है, लेकिन गाइस सीरीज तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, नेक्स्ट पार्ट आएगा गाइस मजेदार आएगा। तो गाइस उसके लिए वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जल्दी से वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।